सिरबतदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सिविल अस्पताल मानसा में प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह ओबेरॉय, डिप्टी कमिश्नर श्री धर्मपाल गुप्ता जी ने अपने कर कमलों से दो डायलिसिस मशीनों की इनोग्रेशन की। सिरबतदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों एक दो साल पहले एक मुहिम शुरू की गई थी, ये देखते हुए कि जो किडनी फेलियर के साथ पेशेंट जो उनकी गिनती काफ़ी बढ़ चुकी है और इलाज इन्ना महंगा हो चुका सी, नाले बहुत दूर पेंडा करके उन्होंने जाना पैता सी। इस चीज़ को मुख्य नज़र रखते हुए सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों डायलिसिस यूनिट लाने का एक फैसला किया गया और अज मैं कह सकता कि साढ़े को 125 के करीब यूनिट साढ़े जो पंजाब हरियाणा हिमाचल जे एंड के महाराष्ट्र मिला के ये लग चुके हैं। तो इतने जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो इलाज हो रहा वो 700 रुपया चार्ज करते हैं, ना कि 2-2.5 हज़ार रुपया। सिविल हॉस्पिटल अज साढ़े बहुत सरकार जो UTC साहब ने मानसा में सिविल हॉस्पिटल जिते ऑलरेडी 2 यूनिट पहले चलते थे, तो इतों के डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की कि साड़ी वेटिंग चल रही है, इसलिए अगर सू 2 यूनिट होर देते जा साड़ी वेटिंग खत्म हो जाएगी और बड़ा स्मूथ काम चलेगा। इस चीज़ में देखते हैं अस 2 यूनिट जो अच्छे जो अच्छे रेगुलेशन जी हो रही है साढ़े मानी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।